गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन माई प्रीवियस लेक्चर आई टुक सम पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड. नाउ इन माई सेकेंड लेक्चर आई एम टेकिंग अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट. एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर footpaths full of throngs. Throngs means crowd, bead. Converging means moving towards one point. Here that particular point was the fair. To the whirlpool of the fair. Whirlpool means right in the center. Kendr ke madhya, yani ki mele ke beech mein. And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the word as he was entering. तो जैसे ही माता पिता के साथ वो बच्चा गाँव के नज़दीक पहुँचा, ठीक है, तो वो बच्चा देख सकता था कि बहुत सारे लोग जो है वो विभिन्न रास्तों से होते हुए एक बड़ी भीड़ के रूप में लोग मेले में पहुँच रहे थे और उनको उनके पहुंचने के लिए एक ही केंद्र बिंदु था. वो था मेले का मध्य भाग, यानी कि मेले के केंद्र में हर व्यक्ति पहुंचने के लिए लालायित था, आतुर था. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वाज एंटरिंग. क्योंकि हो सकता है उस बालक का ये पहला अवसर हो मेला देखने का, तो वो बालक महसूस कर रहा था, वो आकर्षित हो रहा था. ही वॉज जस्ट अट्रैक्टिंग टूअर्ड्स दैट फेयर. एट वंस रिपेल्ड, रिपेल्ड हियर मीन्स डीपली फैसिनेटेड, डीपली अट्रैक्टेड. और उसके मन में थोड़ा सा प्रतिकर्षण की भावना भी हो रही थी बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, क्योंकि पहली बार वो मेले में इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को देख रहा था. विभिन्न प्रकार की दुकानें, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन, झूले चक्री इत्यादि, मिठाइयों की दुकानें, खिलौने की दुकानें, ये सब वो देख रहा था. ए स्वीट मीट सेलर हॉग. हॉग मीन्स यू नो हॉकर्स, वन हु सेल थिंग बाय कॉलिंग आउट. तो एक मिठाई विक्रेता तेज आवाज़ में बोलते हुए मिठाइयाँ बेच रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. अपनी मिठाइयों का नाम पुकारते हुए वो बेच रहा था. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. तो वो मिठाई विक्रेता की दुकान मेले के प्रवेश द्वार के कोने पर थी और बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ वहाँ उस मिठाई की दुकान के काउंटर पर लगी हुई थी और वहाँ उसने दुकान पर अपनी मिठाइयों को ऐसे मेहरावदार शेप में जमा कर रखा हुआ था. भिन्न भिन्न रंग की मिठाइयाँ वहाँ थी और उनके ऊपर सोने और चांदी के वर्क उसने चढ़ाए हुए थे. लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मीन्स सोने चांदी के वर्क. ओके, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी. ठीक है, बच्चा एकदम खुली निगाहों से उन मिठाइयों को देख रहा था और उसका मुंह जो है बर्फी खाने की इच्छा से उसके मुंह के अंदर पानी भराया. एंड वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी जो कि उसकी सर्वप्रिय मिठाई थी, उसके बारे में सोच के उसके मुंह में पानी भराया और उसकी तीव्र इच्छा हुई कि वो खाए. आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड. मुझे वो बर्फी चाहिए, उसने धीमी आवाज़ में जो है बुदबुदाते हुए कहा. मर्मर मीन्स टू स्पीक इन ए लो वॉइस. उसने उसके माता पिता से कहा, पिताजी मुझे बर्फी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड. हीडेड मीन्स टू पे अटेंशन, प्ली मीन्स रिक्वेस्ट. लेकिन वो जानता था
कि उसकी जो प्रार्थना है वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा उसके माता पिता के द्वारा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता उससे कहेंगे कि वो इतना लालची है कि मिठाई खाने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हो रहा है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो बालक माता पिता के साथ आगे की ओर बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉग, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर, गार्लैंड यानी माला, एक फूल बेचने वाला तेज आवाज़ लगाकर अपने फूल बेच रहा था कि गुलमोहर फूलों की माला ले लो, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर, ठीक है, गुलमोर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टेबली ड्रॉन, इररेजिस्टेबली मीन्स विदाउट स्टॉपिंग, बिना अपने आप को रोके हुए, वो जो बालक था वो बिना अपने आप को रोके हुए उस सुंदर गुलमोर के फूलों की माला के प्रति आकर्षित हो रहा था। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीव्ड, वो दौड़ता हुआ उस टोकरी की तरफ गया बालक जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था, एंड हाफ मर्मर, और उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड फादर, आई वॉन्ट टू गेट दैट गार्लैंड ऑफ गुलमोर फ्लावर, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, लेकिन वो इस बात को भलीभांति जानता था कि उसके माता पिता इनकार कर देंगे उस फूलों की माला को खरीदने के लिए। दोज फ्लावर्स ओके बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि बहाना बनाने के लिए शायद वो ऐसा उससे कहेंगे कि इतने सस्ते फूलों की माला नहीं, मैं तुझे अच्छे फूलों की माला दिलाऊंगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो उसके माता पिता के साथ वो बालक आगे की ओर बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी आगे बढ़ने पर उस बालक ने देखा कि एक आदमी एक बांस का डंडा लेकर खड़ा हुआ था जिसके ऊपर पीले लाल हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे जो लगे हुए थे, ठीक है, धागे से बंधे हुए थे, और कुछ जो गैस के गुब्बारे वगैरह होते हैं वो उसमें से उड़ते हुए से उसको दिखाई दे रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, ओवरवेलमिंग मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बच्चा उन सुंदर गुब्बारों को देखकर उनके प्रति आकर्षित हो रहा था, उनके इंद्रधनुषी रंगों को देखकर कि किस प्रकार से रेशमी चटकीले रंग उन गुब्बारों के थे, उसका दिल जो है अत्यधिक तीव्र इच्छा से भराया उन गुब्बारों को प्राप्त करने के लिए। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, लेकिन वो इस बात को जानता था कि उसके माता पिता वो गुब्बारे उसके लिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो उससे कहेंगे कि वो इतना बड़ा अब हो चुका है कि उसके गुब्बारों से खेलने की उम्र नहीं रही। सो ही वॉक डाउन फार्दर, इसलिए वो उसके माता पिता के साथ और आगे की तरफ बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, एक सपेरा, स्नेक चार्मर मीन सपेरा, एक सपेरा वहाँ पर जो है अपने हाथ में बीन लेकर, फ्लूट का मतलब वैसे बांसुरी से होता है लेकिन यहाँ बीन से तात्पर्य, बीन बजाता हुआ खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसके अंदर एक सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए सॉन, उस सांप का जो फन था वो बड़ी भव्य मुद्रा में
ऊपर की ओर उठा हुआ था, जैसे किसी हंस की गर्दन की तरह। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, जबकि उसकी बीन से निकल रहा संगीत का मधुर स्वर, ठीक है, वो सांप जो है वो अपने अदृश्य कानों में महसूस कर रहा था, और उस संगीत की ध्वनि को सुनने के पश्चात वो बीन के साथ अपने फन को जो है इधर उधर लहरा रहा था, एक बहते हुए पानी के झरने की तरह। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सांप को देखकर आकर्षित हुआ और वो बच्चा उस सपेरे की तरफ जो है बढ़ने लगा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड, कोर्स मीन्स रफ, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता उसको अनुमति नहीं देंगे उस बीन के कर्कश संगीत में स्वर को सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फार्दर, जब वो सपेरा बजा रहा था उसकी बीन को, तो उसके बीन के कर्कश स्वर को सुनने की अनुमति उसके माता पिता उस बच्चे को नहीं देंगे, ऐसा जानते हुए वो बच्चा उसके माता पिता के साथ और आगे बढ़ा। देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, राउंड अबाउट यानी चक्री झूला, जैसे मेले दशहरे में आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के झूले वगैरह आते हैं, तो वहाँ उस मेले में एक चक्री झूला था जो कि पूर्ण वेग से गोल गोल घूम रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे महिला और आदमी, कैरिड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन, तो वो उस चक्री झूले के साथ गोल गोल सब उसमें सवार होकर घूम रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, कुछ लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ लोगों को चक्कर आ रहे थे, कुछ लोग अत्यधिक आनंदित होकर हंस रहे थे। डिजी मीन्स टू फील गिडी। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा बड़ी रुचिपूर्वक तरीके से, ध्यानपूर्वक तरीके से उस चक्री झूले में सवार लोगों को देख रहा था। देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उस बालक ने उसके माता पिता से जो है निडर होकर प्रार्थना की। बोल्ड मीन्स इन ए करेजियस मैनर, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मम्मी पापा मुझे इस चक्री झूले में सवारी करनी है। देर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ माता पिता की तरफ से कोई जवाब उस बालक को प्राप्त नहीं हुआ। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो उसके माता पिता की तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता वहाँ पर नहीं थे, वो उसे आगे जा चुके थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उस बालक ने दोनों तरफ इधर उधर घूम कर मुड़कर अपने माता पिता को तलाश किया। दे वर नॉट देयर, उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे मुड़कर देखा। देर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ उसके माता पिता का कोई चिन्ह कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, ठीक है, एक पूर्ण वेग से बहुत गहरी चीखने की आवाज़ उसके सूखे गले से निकली, और अचानक उसने अपने शरीर को झटका देते हुए दौड़ लगाई आगे की तरफ। वो दौड़ा क्राइंग इन रियल फियर, उस समय एक वास्तविक डर से वो चीख रहा चिल्ला रहा था, दौड़ते दौड़ते उसके माता पिता को पुकार रहा था, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू उसकी आंखों में से जो है वो लुढ़कने लगे, हॉट एंड फियर्स, ठीक है, गरम गरम आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे, और
उसको अपने आप में बहुत गुस्सा आने लगा, ठीक है, भयानक रूप से वो डर गया। ही फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स विथ फियर, उसका जो खुशी से थमथमाता हुआ चेहरा था अब वो डर में परिवर्तित हो चुका था, और एक अचानक हलचल जो है डर के कारण उसके शरीर में प्रारंभ हुई। पैनिक स्ट्रिकन, अत्यधिक भय और डर की भावना से उसका दिल जकड़ चुका था। ओके, ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, पहले वो तेज़ी से एक तरफ दौड़ा माता पिता को तलाशने के लिए, फिर दूसरी तरफ, हिधर एंड थिधर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ वहाँ सब दिशाओं में दौड़ते हुए माता पिता को वो तलाश करने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो इस बात को नहीं जानता था कि माता पिता को तलाश करने के लिए वो कहाँ जाए। मदर फादर ही वेल, उसने चीखते चिल्लाते हुए कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो, जल्दी से आप मेरे सामने आ जाओ। ही वॉक, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकम मडी, उसने पीले रंग की जो पगड़ी पहनी हुई थी, टर्बन यानी पगड़ी, वो खुल गई और उसके कपड़े जो थे, उसके माता पिता को तलाश करते हुए इधर उधर भागते दौड़ते हुए धूल मिट्टी में सन गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रैग ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल ही स्टूड डिफिटेड, वो यहाँ वहाँ दौड़ लगाता हुआ उसके माता पिता को तलाश कर रहा था, अत्यधिक गुस्से की भावना से उसका मन भरा हुआ था, ठीक है, और इधर उधर वो थोड़े समय दौड़ भाग करके माता पिता को तलाश रहा था। ही स्टूड डिफिटेड, वो अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहा था। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसके चीखने की आवाज़ें जो है वो सिसकियों में दबने लगी, क्योंकि माता पिता के लिए पुकारते हुए चीखते हुए उसको काफ़ी देर हो चुकी थी। सॉब्स यानी सिसकियाँ। ए लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, थोड़ी दूरी पर वो बालक हरी घास के बीच जो है अपनी आंसुओं से भरी आँखों से स्त्री और पुरुषों को देख रहा था आपस में बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, उसने ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास किया उन लोगों के झुंडों में, समूह में, जो कि अपने चमकीले पीले रंग के कपड़ों में वहाँ पर खड़े हुए थे। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमोंग दीज पीपल, लेकिन वहाँ इन लोगों के बीच उस बालक को उसके माता पिता नहीं मिल पाए, माता पिता का कोई चिन्ह उसको नज़र नहीं आया। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो लोग जो थे वो उसको देखकर, बालक को देखकर हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो मेले में केवल हंसने के लिए और बातचीत करने के लिए, आपस में एक दूसरे लोगों से मिलने के लिए ही आए थे। ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, श्राइन मीन्स टेम्पल, मंदिर, वो दौड़ता हुआ दोबारा से एक मंदिर के अंदर गया जहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ मौजूद थी मंदिर में दर्शन करने के लिए। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स हिज लिटिल सॉफ लिंगरिंग, कंजेस्टेड मीन्स क्राउडेड, तो उस मंदिर का हर कोना, हर स्थान जो है वो लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन वो बालक अपने माता पिता को तलाशता हुआ लोगों के पैरों के बीच में से निकलता हुआ जो है, और लगातार सिसकियां भरता हुआ वो माता पिता को तलाश रहा था और बार बार पुकार रहा था, फादर मदर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल,
मंदिर के प्रवेश द्वार के पास वो उसके माता पिता को पुकारता हुआ बार बार आवाज़ लगा रहा था। ओके, दिस इज ऑल अबाउट माय सेकंड लेक्चर। सिंस द चैप्टर इज क्वाइट लेंथी, द रिमेनिंग ऑफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल कवर अप इन माय थर्ड लेक्चर। सो